हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कैसे सीखी, या फिर तुम इसे रोड मैप भी कह सकते हो, या फिर मेरा डिज़ाइन जर्नी भी कह सकते हो। और मैं जितना भी यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूंगा उस सारे का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन तुम अगर डायरेक्ट बिना पूरा वीडियो देखे डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एंड में मैं एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊँगा, सो कीप वॉचिंग। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि बहुत पहले से ही आई वॉज प्रिटी अट्रैक्टेड टू डिजाइंस, मतलब अच्छा डिजाइन देख के माइंड फ्रेश हो जाता था। वो लोग कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बट आई एम एक्चुअली ए पर्सन हु जजेज ए बुक बाय इट्स कवर। बुक कैसा भी हो, बुक कवर का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। बेसिकली मुझे मतलब अच्छा लगता था कलर्स, टेक्स्चर्स, फॉन्ट देखकर, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड ये सब बनाते कैसे है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड टू सर्च अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, और मैं अपना पहला डिज़ाइन कैनवा में बनाया जो कि बहुत बेकार था। मतलब उस समय मुझे वो डिज़ाइन अच्छा लगता था, लेकिन अभी देख के तो बहुत बेकार लगता है। फिर मैंने और रिसर्च किया तो पता चला पहले फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन सीखना पड़ता है। तो मैंने बहुत अच्छे से टाइम लगा के फंडामेंटल सीखा फ्रॉम दीज यूट्यूब चैनल्स, एंड फिर मैंने जो सीखा उसको अप्लाई करने लगा। दूसरों के डिज़ाइन देख के सोचता था कि इसमें कौन सा ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स यूज हुआ है, वो सब देखता था और समझने लगा डिज़ाइन के बारे में। इस टाइम तक मेरा इंटरेस्ट तो था, लेकिन कैसे करूँ, कहाँ से करूँ कुछ समझ नहीं था। मतलब एक प्रॉपर वे नहीं पता था कि कैसे स्टार्ट करना है ग्राफिक डिज़ाइन जर्नी। वन डे आई डाउनलोडेड इंकस्केप, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। फिर मैंने डायरेक्ट लोगो डिज़ाइन ट्यूटोरियल देखा फ्रॉम द चैनल लोगोज बाय निक, फिर उस चैनल का सबसे ईजीएस्ट लोगो फॉलो अलोंग किया। इससे थोड़ा आइडिया होने लगा। फिर मैंने डेली उसी चैनल से एक लोगो फॉलो अलोंग करके बनाने लगा, और मुझे समझ आया बहुत सारी टेक्निक्स। आफ्टर ए मंथ आई कम्प्लीटली स्विच टू एडोब इलस्ट्रेटर, विच इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, एंड फॉर कपल ऑफ डेज आई हैव डन द सेम, दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम फॉलो अलॉन्ग ट्यूटोरियल्स फ्रॉम द चैनल डिजाइन मेड सिंपल। फिर मैंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हर टूल्स एंड फीचर्स के बारे में सीखने का सोचा। देन आई फाउंड दिस एपिक चैनल नेम्ड GFX Mentor, और मैंने यहाँ से सब कुछ इलस्ट्रेटर के बारे में सीख गया, एंड इट गेव मी सच अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, एंड आई प्रैक्टिस अलॉट इन द एडोब इलस्ट्रेटर लाइक लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेशन एंड मच मोर। These days, I was closely looking UI UX design, which is a very big growing field, and I installed Figma to learn the same. If you know how to use Illustrator, then Figma is very easy for you. Figma is a prototyping tool from which you can design websites and apps. But इस बार मैंने app design कैसे होता है उस पर focus किया, and I again tried follow along tutorial from the channel Building Amazing Things. And this was the first design which I did in Figma. अब तक ना मैं बहुत कैजुअल डिज़ाइन करता था, मतलब मेरे दिमाग में था बस डिज़ाइन अच्छा दिखना चाहिए, बट देर इज़ नो कॉन्टेक्स्ट, नथिंग इन द डिज़ाइन, एंड आई हैव वेरी बैड सेंस इन टाइपोग्राफी। आई स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू यूज टाइपोग्राफी फ्रॉम द चैनल सतोरी ग्राफिक्स। यहाँ मैंने सीखा कब कौन सा फॉन्ट यूज़ करना पड़ता है, पूरा साइकोलॉजी समझा, एंड टिल नाउ आई एम लर्निंग दिस। मैं बहुत खुश था कि मुझे दो डिज़ाइन टूल्स एंड फंडामेंटल्स की समझ है, और मैं प्रैक्टिस रेगुलरली करता था, और साथ में मेरा स्टडीज तो था ही। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डिज़ाइन ब्रीफ। डिज़ाइन ब्रीफ से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा यह रहता है कि तुमको एक प्रॉब्लम मिलता है, फिर उसके रिलेटेड रिसर्च करना पड़ता है, फिर आइडिएट एंड ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके तुम डिज़ाइन में आते हो। पहले मैं क्या करता था, बिना सर पैर का डिज़ाइन, मतलब कुछ भी बना देता, बट अब वैसा नहीं करता। After few months, I installed the OG, the most popular, the industry standard, Adobe Photoshop. But इस बार मैंने direct GFX Mentor से step by step सारा function सीखा, and फिर follow along tutorial से अभी भी सीखता हूँ from amazing YouTube channels like PiximPerfect, Nikhil Pawar and Rajiv Mehta. बहुत ज़्यादा past की बातें कर लिया यार, अब present में आते हैं। मैं अब प्रिंट डिज़ाइन सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रिंट डिज़ाइन बहुत हार्ड है। लेआउट, मार्जिन, ये सब में अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो डिज़ाइन बाद में प्रिंट होने के बाद कट जाता है। बिसाइड फ्रॉम डिज़ाइन आई ऑल्सो स्टार्टेड टू लर्न वेब डेवलपमेंट, जो मैं एक साल से सीखूंगा करके नहीं किया, बट इस बार तो सीखना स्टार्ट कर ही दिया फ्रॉम कोड विथ हैरी।
आई ऑल्सो एनरोल्ड इन गूगल UX कोर्स इन कोर्सेरा बट डिडंट स्टार्टेड येट। वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगा मुझे। नाउ एक बेस्ट यूट्यूब चैनल जिसमें तुमको एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग दोनों मिलेगा, विच इज़ KibaKibi एंड KibaKibi स्टूडियो। मतलब ये बंदा कमाल का है, इनका वीडियो कभी भी देख सकते हो, एंटरटेनमेंट भी मिलता है, क्यूरियोसिटी भी बढ़ता है एंड ग्राफिक डिज़ाइन और फिल्म मेकिंग के बारे में मस्त नॉलेज मिलता है। याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा लैपटॉप का स्पेक्स 4GB रैम एंड i3 प्रोसेसर है विथ इंटेल HD ग्राफिक्स। इसमें सिर्फ प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चलता है, बाकी आराम से हो जाता है। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं तो फिल्मोरा 10 यूज़ करता हूँ, वही बेस्ट है मेरे लिए। कभी मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में भी बात करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। देखो हमेशा तुमको डिज़ाइन में मन नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगता है, बट आई टेक 3-4 डेज ब्रेक्स एंड इन दिस डेज आई वॉच चैनल्स लाइक KibaKibi, सतोरी ग्राफिक्स एंड द फ्यूचर एंड कैमरा वाले भैया, ये सब को देखता हूँ और मस्त चिल करता हूँ। और क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के डिज़ाइन सीखने लगोगे? नो, आई डोंट रिकमेंड दैट। मैं खुद पढ़ाई एंड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ। अब जब मैं 1 ईयर पीछे देखता हूँ, आई हैव लर्न्ड अ लॉट, आई गॉट डिजाइन सेंस, आई लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एंड एट लास्ट आई गॉट माई ओन रोड मैप। एंड आई बिलीव कि देर इज नो सच परफेक्ट रोड मैप एग्जिस्ट। तुम्हें खुद उस रोड पे चलना पड़ेगा टू गेट योर ओन रोड मैप।